पूरा 100% एकदम श्योर है कि चेतन मुखिया, आशीष सिंह, गुड्डू सिंह ये लोग जो है उसको मार करके हत्या कर दिया है। शादी में तिलक में तिलक का कार्ड दे के जो है बुलाया गया घर पे, दो लड़का ये लोग गया था, एक लड़का तो भाग गया वहाँ से, और इसको जो है इलाज करवाने के बहाने वहाँ से ये लोग लेकर के स्कॉर्पियो को बैठा करके चेतन मुखिया लेकर के वहाँ से गायब हो गया। उखई बाजार पे गुड्डू सिंह उर्फ आशीष सिंह, उनके द्वारा मेरे भाई को काट दिया जाता है। अभी उम्र उसका 22 साल हुआ, पिपरा गांव है उसके पास, हनुमान मोड़ के थोड़ा सा आगे से एक चौवर में पानी में जो है डुबा करके और रखा गया था। बिहार सरकार में दारू बंद है तो दारू वो लोग कहाँ से लाए, और दारू इनको जबरदस्ती दे दे करके कि लो पियो लो पियो। गवाह है, अवेलेबल है, वो सामने देखा है, पहचानता भी है, इसमें आशंका वाली बात कहाँ से है। जौन भी प्रक्रिया बा जब पूरा होई ओकरा बाद बढ़ गया का हुआ था गति और दुगो मार देलो, कोनो आपत्ति नहीं थे, मारे खातिर तैयार बानी स्वामी के। क्या हुआ था कर कर के शादी में इनवाइट कर कर के जो है मार दिया जाता है, इस तरीके का जो है सिचुएशन बन गया है। क्या हुआ था मामला, आप लड़के के उनके भाई है ना जो इनकी? हाँ उनके भाई है। क्या हुआ था मामला? शादी में तिलक का कार्ड दे के जो है बुलाया गया घर पे, बुला के वहाँ जो उनके साथ बदसलूकी किया गया है, और उनके साथ जो लड़का था वो भाग गया, जान बचा के उसको भगा दिया गया थोड़ा बहुत मार के, लेकिन इसके साथ बुरी तरीके से बर्ताव करके मार के वहाँ से और अपने गाड़ी में लोड करके जो है ले जाके फेंक दिया गया है बॉडी को। क्यों मारा गया ये पता है आपको? पहले उसको दुश्मनी थी या कोई दुश्मनी नहीं? हाँ। जब दुश्मनी होती तो इन्वाइट क्यों किया जाता, आप बताइए ना। कुछ तो मामला होगा ना, फिर आप लोगों का क्या आरोप है? कार्ड दे के जो है इनवाइट किया जाता है शादी में, तो दुश्मनी से अब अंदरूनी क्या मामला है, इनवाइट करके जो है बुलाया जाता है कार्ड देकर, इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। आप लोगों का क्या मतलब इसमें, ये है क्या लग रहा है कि कैसे हुआ होगा, किसका मामला है, कौन किया है, क्या किया है, क्यों किया है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? जी जी हम बताएंगे, बताइए। हम उनके बड़े भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद गुड्डू अंसारी है, पिता मोहम्मद सलीम अंसारी, हम बिंदुसार बुजुर्ग महादेवत थाना ओपी जिला सिवान के रहने वाले हैं। बताइए क्या मामला है? उखई बाजार पे गुड्डू सिंह उर्फ आशीष सिंह, उनके द्वारा मेरे भाई को काट दिया जाता है शादी के। तिलक में जो है बुलाया जाता है, वो जाते हैं वहाँ पे, इनको दारू पिलाया जाता है। अगर उनको मन में अगर किसी प्रकार की ऐसा सोच ना होता है तो इनको दारू जब बंद है, बिहार सरकार में दारू बंद है तो दारू वो लोग कहाँ से लाए, और दारू इनको जबरदस्ती दे दे करके कि लो पियो ये इनको दारू पिलाया गया। उसके बाद इनको मार धाड़ किया गया, मार और करके दोनों आदमी को जो है, दो लड़का ये लोग गया था, एक लड़का तो भाग गया वहाँ से, और इसको जो है इलाज करवाने के बहाने वहाँ से ये लोग लेकर के स्कॉर्पियो को बैठा करके चेतन मुखिया लेकर के वहाँ से गायब हो गया। और आज देखिए उसका नतीजा सामने आ गया, पूछने पे वो लोग बताता है कि नहीं ऐसा कुछ हम लोग किए नहीं है, अगर कुछ नहीं किए हैं तो ये कहाँ से आया, डेड बॉडी कहाँ से मिला है? डेड बॉडी जो है पिपरा
गांव है उसके पास हनुमान मोड़ के थोड़ा सा आगे से एक चौवर में पानी में जो है डुबा करके और रखा गया था। तो आप लोगों का आशंका क्या है, पहले आशंका है या डायरेक्ट आरोप है? आशंका क्या है, डायरेक्ट आरोप है उन पे। जब उनके दरवाजे पे गया, मारपीट की गई, गवाह है, अवेलेबल है, वो सामने देखा है, पहचानता भी है, इसमें आशंका वाली बात कहाँ से है। पूरा 100% एकदम श्योर है कि चेतन मुखिया, आशीष सिंह, गुड्डू सिंह ये लोग जो है उसको मार करके हत्या कर दिया है। FIR दर्ज हो गया है? FIR हम लोग आवेदन दिए हैं और ये जो है आवेदन का पेपर है। अब इस पे कहाँ लिखा है कि FIR थाना प्रभारी किए हैं? ये तो आवेदन है आपका जी, और इसी आवेदन के जरिए अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अभी तक तो उनको देखा ही नहीं गया कि वो है कहाँ। अपने अपहरण करके जान से मार देने के संबंध में अपने आवेदन दिया है जी, और अभी कह रहे हैं आप लोग कि उसमें जो है कि इसको कार्ड भी दिया गया था शादी का, है ना जी? ठीक, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? प्रशासन से देखिए, बूढ़ा माँ बाप है, पूरा अभी उम्र उसका 22 साल हुआ, पूरा जिंदगी बाकी था। एक इंसान जिंदगी में कितना पैसा कमाएगा इस समय में, ये सरकार को खुद मालूम है, गवर्नमेंट को खुद मालूम है, और पूरी पब्लिक जानती है कि कितना हम कमाएंगे तो हमारा जो है जीवन परवाह इस दुनिया में हो सकता है, और उसके साथ साथ परिवार भी है। और उसका छोटा जो भाई है उसी पे निर्भर था, वो बोला था कि भाई तुमको हम पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलवाएंगे और बूढ़ा माँ बाप का जो है सेवा करेंगे। तो प्रशासन से यही मांग है कि जो है एक भाई को नौकरी दिया जाए और 20 लाख मुआवजे दी जाए कम से कम, क्योंकि 20 लाख बहुत कम है इस समय के लिए, और उसको सरकारी नौकरी दी जाए। और हम लोग परिवार के सुरक्षा के लिए कोई आर्म्स लाइसेंस दी जाए कि हम लोग अपना सुरक्षा कर सके।